शांति। आज की तारीख है 22/12/21 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक एक पहेली के रूप में देखो तो पहेली है, प्रश्न के रूप में देखो तो प्रश्न है, और यदि आत्मा की संतुष्टता कहो तो उसमें संतुष्टता भी समाई हुई है। तो सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। बाप माना स्वयं भगवान, स्वयं प्रभु, स्वयं परम प्रिय परम पिता परमात्मा आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल है ज्ञान, और फिर ज्ञान से ही सदगति होती है। प्रश्न है, इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे? उत्तर है, ब्राह्मण कुल में बड़े से बड़े वह हैं जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं, जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ओना रहता है, यानी चिंता रहती है, जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते हैं। ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में सफल करते हैं, अपनी चलन पर भी बहुत ध्यान देते हैं। गीत बजा है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, स्वयं को सर्विस के लायक बनाना है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अपनी उन्नति का ख्याल करना है। नंबर दो, तन मन धन से पूरी सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है और गफलत नहीं करनी है। वरदान सतगुरु बाबा का, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं, जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है, इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी भी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी, निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। स्लोगन है, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना, यही याद का प्रूफ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।